क्यों करण भाई, आखिर इतनी सारी गोलियां, कहीं अखा शहर उड़ाने का इरादा तो नहीं? करण, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। तेरी जान को बहुत खतरा है रे। मैं तकदीर चली कहां छुपाऊं तुझे, जहां तू महफूज रह सके। पुलिस आई थी, तेरे दोस्तों को पकड़ कर ले गई। वो इंस्पेक्टर पागल कुत्ते की तरह तुझे ढूंढ रहा है। कह रहा था तूने सरयाम कई लोगों का कत्ल किया है। वो तुझे जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। ये गजराज की चाल है, मुझे हटाकर उन मासूमों की जान लेना चाहता है। करण, क्यों उस रास्ते पर चलते हो जहां मौत बिछी है? मैं मौत को वहीं रोक दूंगा ताकि उनकी जिंदगी को कोई छू ना सके। तुम भी सच्चे, हम भी सच्चे, इस इश्क में सच का रोना है। लेकिन आज मैं रोऊंगी नहीं, मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। आज तुलसी दुआ करेगी कि इस जंग में जीत तेरी हो। जा तेरा रब राखा। Ugh.
नहीं होगा तुम्हारे राजू को। जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। करण, हमें माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं वहां देर से पहुंचा, वरना गजराज के आदमी राजू को छू भी नहीं पाते। कितने गलत थे हम, आज तक हम यही समझते रहे कि तुम हमारे सुहाग को उजाड़ना चाहते हो, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि तुम हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे सुहाग को बचाते रहे। हम उसे ही दुश्मन समझते रहे जो हमारे लिए मसीहा था। हम मानते हैं हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन उस वक्त हम ऐसे दो राहे पर खड़े थे जहां हमें अपने पापा की जिंदगी और तुम्हारे प्यार में से किसी एक को चुनना था। पिता की जिंदगी को बचाना हमारा फर्ज था, हमने उसे अपना धर्म समझकर निभाया, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता टूट गया। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ, वो गुजरा हुआ कल था। मुझे तो आज एहसास हुआ है कि मैं जिंदा क्यों हूं। राजू, दीदी ना चटकर। शुक्र है भगवान का आपको होश आ गया। शुक्रिया दोस्त,
आज तुम्हारी वजह से काजल मेरे साथ है। थैंक यू। ये क्या जख्म? लगता है तुम्हें जख्मों की याद सी हो गई है, लेकिन अगर जख्म पुराना हो जाए तो नासूर बन जाता है।